Assalamu alaikum, this is Siddiq. In today's video, I have come with the topic of communication. And first of all, we will see what is communication. Communication is the act of process of using words, sounds, signs, or behaviors to express or exchange information or to express your ideas, thoughts, feelings, etc. to someone else. कम्युनिकेशन जो है हमारी लाइफ का बहुत ही वाइटल पार्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन है क्या कम्युनिकेशन एक एक्ट है एक प्रोसेस है एक अमल है जिसमें हम वर्ड्स यूज़ करके साउंड्स मुख्तलिफ आवाज़ों का इस्तेमाल करके साइंस मुख्तलिफ़ इशारे इस्तेमाल में लाकर और बिहेवियर्स या हमारा जो रवैया होता है वो भी हमारी कम्युनिकेशन का एक जरिया है उससे हम एक्सप्रेस करते हैं क्या एक्सप्रेस करते हैं या हम अपने जो फीलिंग्स होती हैं अपनी थॉट्स होती हैं या अपने आइडियाज होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे की तरफ या फिर हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं इस पूरे प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहा जाता है अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम दो एस्पेक्ट से देखते हैं पहला जो एस्पेक्ट है देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल जो कम्युनिकेशन का चैनल है जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो कम्युनिकेशन का जरिया है एक तो हम उसकी बेस पे कम्युनिकेशन की दो टाइप लिखते हैं फर्स्ट टाइप है वर्बल कम्युनिकेशन और सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की दो बेसिक टाइप जो के बेस करती हैं कम्युनिकेशन चैनल पर वो यही दो टाइप्स ही हैं फर्दर टाइप फिर इनके अंदर आ जाती हैं, जबकि दूसरा जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस स्टाइल और पर्पस के लिहाज से भी कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं फर्स्ट टाइप इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आज की वीडियो में हम वर्बल कम्युनिकेशन की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी हम देखेंगे वर्बल कम्युनिकेशन क्या है डेफिनेशन देखते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ साउंड एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर सेल्फ वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और साउंड आवाज यानी हम बोल चाल से स्पीच के जरिए भी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज टू सेंड एन इंटेंशनल मैसेज टू अ लिसनर एक लिसनर की तरफ हम कोई आइडिया कन्वे करने के लिए कोई मैसेज उस तक कन्वे करने के लिए कोई पैगाम उस तक पहुंचाने के लिए हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं या हम रिटर्न वर्ड्स में उस तक कोई पैगाम पहुंचाते हैं तो ये सारी जो प्रोसेस uh, है इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं यानी जो वर्ड्स के जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं अब वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं. वर्बल कम्युनिकेशन इन अ वर्क सेटिंग टेक्स प्लेस बिटवीन मैनी डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स जब हम कभी वर्क प्लेस पर होते हैं चाहे वो कोई कंपनी का ऑफिस हो चाहे वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो उनमें हम कम्युनिकेशन हमारे लिए लाजमी होती है तो जो कम्युनिकेशन होती है वो हम डिफरेंट इंडिविजुअल से या डिफरेंट ग्रुप से करते हैं सच एज कोवर्कर्स बॉसेस एंड सब ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट जो हमारे मातहत होते हैं जो हमारे अंडर काम करते हैं इम्प्लाइज कस्टमर्स क्लाइंट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड स्पीकर्स एंड देयर ऑडियंसेस ये जो कम्युनिकेशन है ये सारी की सारी वर्बल कम्युनिकेशन होती है इसमें हमारे स्पीच का औरल का यानी कि औरल जो हमारी कम्युनिकेशन होती है जबानी उसका और रिटर्न जो कम्युनिकेशन होती है उसका यूज होता है और ये सारी वर्बल कम्युनिकेशन है सेकंड एग्जांपल है वर्बल कम्युनिकेशन अकर्स इन मैनी डिफरेंट कॉन्टेक्ट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग सेशन कोई ट्रेनिंग सेशन चल रहा हो तो उसमें वर्बल कम्युनिकेशन लाजमी है उसके बगैर गुजारा नहीं है प्रेजेंटेशंस प्रेजेंटेशंस में भी वर्बल कम्युनिकेशन वाइटल रोल प्ले करता है ग्रुप मीटिंग्स परफॉर्मेंस अप्रेजल्स वन ऑन वन डिस्कशंस इंटरव्यूज डिसिप्लिनरी सेशंस सेल्स पिचेस एंड कंसल्टिंग एंगेजमेंट्स ये सारे के सारे जितने भी डिफरेंट इवेंट्स हैं इंसिडेंट्स हैं तो इनमें वर्बल कम्युनिकेशन का होना इंतहाई जरूरी है उसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे हमने वर्बल कम्युनिकेशन को देखा उसमें हम वर्ड्स का या हम स्पीच का यूज करते हैं साउंड्स का यूज करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके बिल्कुल कंट्रास्ट है देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन तो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है कैसे होती है थ्रू द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज इंक्लूडिंग आई कांटेक्ट फेशियल एक्सप्रेशन जेस्टर्स एंड मोर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बॉडी लैंग्वेज के जरिए अपना कोई मैसेज कन्वे करते हैं देखने वाले को जैसे कि आई कॉन्टैक्ट है फेशियल एक्सप्रेशन हमारे चेहरे के तसरा से जेस्चर्स जो बाकी हमारे जिसम के आ, इशारे होते हैं उनके ज़रिए फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है स्माइलिंग वन यू मीट समवन कन्वेज फ्रेंडलीनेस एक्सेप्टेंस एंड ओपननेस जब हम किसी से मुस्करा कर मिलते हैं तो उसको हम पैगाम दे रहे होते हैं कि हम बड़े फ्रेंडली मूड में हैं बड़े आ, अच्छे यानी कि हम खुशगवार मूड में हैं एवरीवन वन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल द टाइम वेदर दे ना इट और नॉट हम मोस्टली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे होते हैं चाहे हमें पता हो या ना हो यानी हम इंटेंशनली या अन इंटेंशनली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज कर रहे होते हैं वोकल टोन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं वोकल टोन वोकल टोन यानी जो हमारी आवाज़ की टोन है हमारी आवाज़ आज़ोरदार है जोरदार है तो उससे हमें जो लिसनर होगा उसको एक हम पैगाम कन्वे करेंगे जब हम गुस्से में होंगे या हम एंगर शो कर रहे होंगे तो हमारी आवाज़ ज़रा ऊपर हो जाएगी वॉल्यूम हमारी आवाज़ का ज़्यादा हो जाएगा इसी तरह जब हम डिसअपॉइंटेड या सैड होंगे तो हमारी आवाज़ का वॉल्यूम कम हो जाएगा स्पीकिंग स्टाइल बोलने का जो अंदाज़ होता है वो भी लिसनर को एक पैगाम एक मैसेज कन्वे करता है कि जो स्पीकर है उसका मूड कैसा है पिच रेट एंड वॉल्यूम वही बात आ गई है जो हमारी आवाज़ का कम होना या ज़्यादा होना है वो भी एक जेस्टर होता है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ऑल कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर स्पीकर को अंडरस्टैंड करने में ये सारी चीज़ें हेल्प देती हैं लिसनर को अब कुछ एग्जांपल्स दी गए हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फिजिटिंग फिजिटिंग कहते हैं जो हमारे जिस्म के जब हम डिफरेंट सिचुएशन से या डिफरेंट कंडीशन से गुजर रहे होते हैं जब हम कभी एंक्शियस होते हैं तो हमारी बॉडी की जो यानि के मूवमेंट्स होती हैं वो डिफरेंस होती हैं हम कहीं आराम से बैठ पा नहीं रहे होते हैं जब हम परेशान होते हैं तो उस वक्त हमारी डिफरेंट होती है बॉडी के मूवमेंट्स और जब हम खुश होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी मूवमेंट्स डिफरेंट होती है उनको फिजिटिंग कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के तसरा साफ ज़ाहिर है जब हम हैप्पी होंगे तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे जब हम एंगर में होंगे तब भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट होंगे इसी तरह जब हम ग्लूम में सैडनेस में होंगे तब भी हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस डिफरेंट होंगे तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है हेड मूवमेंट्स सर की हरकत से हम नोड करते हैं कभी हम हाँ में सर हिलाते हैं कभी ना में सर हिलाते हैं तो वो भी एक मैसेज होता है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है हैंड जेस्टर्स हाथ के इशारे हाथ के इशारों का इस्तेमाल करके हम कितने ही यानि कि हम डेली लाइफ में कितनी बार अपने हाथ के इशारों का इस्तेमाल करके किसी को बुलाना हो किसी को खामोश कराना हो या किसी को डिफरेंट किस्म के हम जस्चर्स देकर उसको पैगाम कन्वे करते हैं ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बड़ी अच्छी एग्जांपल है बॉडी पोस्चर बॉडी पोस्चर हमें बहुत कुछ बताता है कि इंसान जो इस वक्त हमारे सामने बैठा है उसका बॉडी पोस्चर हमें बड़ा पैगाम दे रहा होता है कि ये इस वक्त टायर्ड है ये इस वक्त एक्टिव है ये इस वक्त किस सिचुएशन में है किस कंडीशन में है तो वंस अगेन ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी एग्जाम्पल हो गई डियर स्टूडेंट्स जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसकी फर्दर टाइप भी हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में ऑरल कम्युनिकेशन यानी जो हमारी बोल चाल होती है रिटर्न कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन इन तमाम कम्युनिकेशन जो कि वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं उसके साथ में हम फार्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की टाइप्स को भी इनशाला नेक्स्ट वीडियो में उनको इसी तरह डिस्कस करेंगे तो आप देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बना के Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.